नमस्कार। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आज की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। मैं श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ कि वह अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा सेवा आयोग की शपथ लेने हेतु कृपया मंच पर आए। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर को अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद की शपथ दिलाएं। मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब मैं श्री राकेश शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वह सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की शपथ लेने के लिए कृपया मंच पर आए। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि वे श्री राकेश शर्मा को सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद की शपथ दें। मैं राकेश शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं राकेश शर्मा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा।
मैं राकेश शर्मा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वह सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की शपथ लेने के लिए कृपया मंच पर पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि वे कर्नल राजेश कुमार शर्मा को सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद की शपथ दिलाएं। मैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं कर्नल राजेश कुमार शर्मा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
नैन सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की शपथ लेने के लिए कृपया मंच पर आएं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे डॉक्टर नैन सिंह को सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद की शपथ दिलाएं। मैं डॉक्टर नैन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं डॉक्टर नैन सिंह सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं डॉक्टर नैन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्यपाल महोदय से आज की कार्यवाही को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। अभी तो पता है पानी।